हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था जो मैनोमीटर और उसके टाइप्स। आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, जो फ्लूइड के सेंटर पे प्रेशर जो किस प्रकार से एक्ट करता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कंसिडर किए हैं एक फ्री सरफेस। ठीक है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड जिसमें सब्सटेंस को कोई इमेरिस्ट किया गया है। तो सब्सटेंस जब इमेरिस्ड हो रहा है तो वो किसी प्रकार से भी वो डूब सकता है, मतलब किसी प्रकार से लिक्विड के अंदर जा सकता है। वो इंक्लाइन भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, या फिर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सब्सटेंस पे एक एलिमेंट काटे हैं, एलिमेंट लिए हैं जिसका एरिया डीए है और सब्सटेंस का जो एरिया है वो ए है। ठीक है, ये सब्सटेंस का सेंट्रोइड है जिसका हम लोग जी माने हुए हैं सिंबल। अब हम देखते हैं कि सब्सटेंस जो डूब रहा है वो किसी भी तरह से डूब रहा है। तो यहां से अगर सब्सटेंस को अगर एलिमेंट के रूप में लिए हैं तो यहाँ पे देखिए ये हाइट है कुछ कम है, यहाँ पे हाइट है कुछ ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक डिस्टेंस लिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से y बार, और यहाँ पे एलिमेंट से जो हम डिस्टेंस लिए हैं फ्री सरफेस पे वो हमारा है y। ठीक है, डेप्थ ऑफ है जो फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस उससे हमारा जो डेप्थ है वो h बार है, और फ्रॉम एलिमेंट से जो हमारा डेप्थ है वो h है। अब हम सेंटर ऑफ प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता करना होगा हाइड्रोस्टेटिक फोर्स वो क्या होता है जो इंक्लाइन प्लेन पे लग रहा है। तो उसके लिए कंसीडर किए हैं रो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है हमारा, थीटा है इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विद फ्री सरफेस जो हमारा ये थीटा है, वाई है डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पॉइंट ओ, वाई बार है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ओ है, यहाँ पे हमारा पॉइंट ओ है। ठीक है, एच है डेप्थ ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फ्री सरफेस, डेप्थ ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फ्री सरफेस यहां से, और एच बार है डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड ऑफ प्लेन फ्रॉम फ्री सरफेस, यानी कि यहाँ सेंट्रोइड से जो हमारा डेप्थ है उसको हम लोग एच बार लिए हुए हैं। ठीक है, तो इस फिगर को हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एक जो है ट्रायंगल नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगल के फॉर्म में आ जा रहा है। तो हम देखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल से एच बाय y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू जानते हैं हम लोग जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो h बाय y इक्वल्स टू साइन थीटा, उसी तरह हमारा जो h बार बाय y बार इक्वल्स टू हो जाएगा h बार बाय y बार इक्वल्स टू साइन थीटा। अब देखते हैं फोर्स ऑन एलिमेंट क्या होता है हमारा, तो फोर्स ऑन एलिमेंट क्या होगा, डीएफ इक्वल्स टू प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है तो डीएफ इक्वल्स टू पी इंटू डीए। पी क्या होता है फ्रॉम हाइड्रोस्टेटिक्स लॉ में हम स्टडी कर चुके हैं कि पी इक्वल्स टू होता है रो जी एच इंटू डीए। तो डीएफ इक्वल्स टू हो जाएगा पी इक्वल्स टू रो जी एच इंटू डी ए, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए जो एच है वो हमारा क्या है, डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ है, तो एच बाय वाई है वो हमारा साइन थीटा है, तो इसलिए हो जाएगा अगर हम इसको डीएफ को लिखते हैं तो डीएफ इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा रो जी वाई साइन थीटा, एच इक्वल्स टू वाई साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा रो जी वाई साइन थीटा इंटू डीए, ये हमारा डीएफ हो जाएगा। अब हम ये हमारा फोर्स एक्ट हो रहा है एलिमेंट पे। ठीक है, अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये फोर्स पूरे एरिया पे हमारा निकल जाएगा, जो सब्सटेंस का एरिया उस पर हमारा फोर्स निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द एलिमेंट इक्वल्स टू टोटल प्रेशर फोर्स
प्रेशर फोर्स ऑन एलिमेंट क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ हम करते हैं तो एफ इक्वल्स टू हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी वाई साइन थीटा डीए। अब हम इसको देखते हैं, जो एफ इक्वल्स टू रो जी साइन थीटा, ये हमारा बाहर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, हमारा क्या बच रहा है वाई इंटू डीए। वाई इंटू डीए क्या है, ये है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल्स टू जो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। y इंटू डी इक्वल्स टू फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, इसे हम लोग फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या है, y बार इंटू ए, y बार इंटू ए, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट मोमेंट। तो f इक्वल्स टू हो जाएगा, f इक्वल्स टू रो जी साइन थीटा इंटू y बार इंटू ए। तो f इक्वल्स टू रो जी एच ए, ये हमारा हो गया टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा निकल गया टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट जो प्लेन पे एक्ट कर रहा है वो। अब हम देखते हैं कि जो है, अब इसको हम कंसीडर करते हैं कि जैसे फोर्स तो कहीं पे भी लग सकता है, है ना, कहीं पे लग सकता है, इसलिए यहां पे जो प्रेशर भी हमारा कहीं पे जैसे एक्ट हो सकता है। ठीक है, किसी टाइप से भी प्रेशर एक्ट होता है, इसके लिए हम कंसीडर किए हैं, यहां से एक डिस्टेंस हम लेते हैं, डिस्टेंस यहां से हम मेजर करते हैं वाई। ठीक है, वाई स्टार हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो फ्रॉम सरफेस वाई स्टार, यहां से हम एक डिस्टेंस मेजर करते हैं। और इधर हमारा जो फोर्स है, इस पे एक एलिमेंट पे हमारा जो फोर्स लग रहा है, इसको हम सपोज कर से एफ इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस पे हमारा एफ फोर्स लग रहा है। अब हम देखते हैं फ्रॉम जो है वेनिग्नन थ्योरम से, इसको लिख लीजिए लोग, यहां मिटाते हैं, एफ इक्वल्स टू ये हमारा आ गया रोजी एच इंटू ए। ठीक है, अब जो हमारा फ्रॉम वेनिग्नन थ्योरम, यहां पे देखिए ए के जहां पे, यहां पे वाई, हाँ यहां पे ए होगा, अब फ्रॉम वेनिग्नन थ्योरम से मोमेंट ऑफ, we consider the hydrostatic force act on, we consider consider the hydrostatic force we consider the hydrostatic force act from O to Y star distance, act from O to Y star distance, ये हमने consider किया है Y star distance। अब from Wernigerian theorem से moment of total force about O
मोमेंट ऑफ टोटल फोर्स अबाउट ओ इक्वल्स टू होगा मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन प्लेन, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन प्लेन, ये हमारा होगा। तो मोमेंट हमारा क्या हो गया, फोर्स इनटू जो y स्टार डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा मोमेंट इधर। तो f इनटू y स्टार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ df इनटू y स्टार, ये हमारा हो जाएगा वो सॉरी df इनटू y यहां हो जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं f इनटू y स्टार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रो जी वाई साइन थीटा डी ए इंटू वाई, ठीक है। इसको आगे ले जाते हैं तो रो जी इधर हो जाएगा एच बार ए इंटू वाई स्टार इक्वल्स टू रोजी साइन थीटा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीए। अब जो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीए है ये हमारा है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर d इक्वल्स टू सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए प्लेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए प्लेन इक्वल्स टू इसको i नोड हम लोग मानते हैं मान लेते, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए इक्वल्स टू ये आई नोड हम लोग लिए हैं मोमेंट ऑफ जो इनर्सिया है वो प्लेन का, तो इक्वेशन हो जाएगा रो जी एच बार डी ए इक्वल्स टू आई नोड सॉरी रो जी एच बार डी ए नहीं यहां पे ए होगा हमारा रो जी एच बार इंटू ए इंटू वाई स्टार इक्वल्स टू रो जी साइन थीटा आई नोड, ठीक है रोजी साइन थीटा आई नोड। अब रोजी हमारा यहां कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आई नोड इक्वल्स टू आई जी प्लस ए इंटू वाई बार स्क्वायर, ये हमारा बचेगा जहां पे जो ये हमारा है ये इक्वेशन कैसे आया आईजी इक्वल्स टू कैसे आया फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से सेंट्रोइड जो आईजी है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ प्लेन अबाउट सेंट्रोइड एक्सिस, तो आईजी हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ प्लेन ऑफ सेंट्रोइड, ये हमारा आईजी है। अब हम इक्वेशन को अगर आगे ले जा रहे हैं तो और y हमारा है y बार जो है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O, ये तो हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू सेंट्रोइड, तो इक्वेशन हो जाएगा h बार a इंटू y स्टार
इक्वल्स टू ए इंटू वाई बार स्क्वायर यहाँ पे आईजी प्लस ए इंटू वाई बार स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए वाई स्टार क्या है, यहां से जो हम लोग एलिमेंट किए हैं, एलिमेंट का डिस्टेंस कंसीडर किए हैं फ्रॉम सेंट्रोइड से, तो जिस प्रकार एच बाई वाई इक्वल्स टू है साइन थीटा, ठीक है, और एच बार बाई वाई बार इक्वल्स टू साइन थीटा है, उसी प्रकार एस स्टार बाई वाई स्टार इक्वल्स टू होगा साइन थीटा, ठीक है। तो इसलिए हमारा इक्वेशन इस प्रकार आ रहा है, तो एच बार ए इंटू एच स्टार साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आई स्क्वायर आई जी साइन थीटा प्लस ए वाई बार स्क्वायर साइन थीटा। तो यहां से हमारा जो है, यहां से हम एच स्टार बाय वाई स्टार इक्वल टू साइन थीटा, ये तो हम लोग जान रहे हैं एच स्टार बाय साइन थीटा कैसे हुआ, ठीक है। अब जो एच स्टार है वो हमारा क्या है, तो एच स्टार को ही हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। एच स्टार ही हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे कहलाता है, एच स्टार जो है वो डेप्थ ऑफ पॉइंट, ठीक है, डेप्थ ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर फोर्स, ठीक है, जो एच स्टार है वो डेप्थ ऑफ पॉइंट जहां से हम लोग डेप्थ कंसीडर किए हैं वो पॉइंट से उसको एच स्टार हम लोग माने हैं, ठीक है। तो एच स्टार ही हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो एच स्टार इक्वल्स टू हो जाएगा एच स्टार इक्वल्स टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू वाई बार साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय एच बार इंटू ए। इसलिए एच स्टार इक्वल्स टू, इसको हम अलग करते हैं तो हमारा क्या बचता है, आई जी साइन स्क्वायर थीटा बाय एच बार इंटू ए प्लस एच बार, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर इंक्लाइंड प्लेन। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो ये था हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। आगे हम लोग इसको देखेंगे कि इसके जो अगर प्लेन वर्टिकल रहता है तो उस केस में हमारा क्या फॉर्मूला निकलता है, अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल रहता है तो फिर उस केस में हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, ठीक। तो आज के टॉपिक में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।